हरियाणा विधानसभा चुनाव की महाकवरेज जारी है। R9 टीवी हर दिन आपको विधानसभा क्षेत्रों के बारे में बताता है कि उस इलाके में कितना विकास हुआ, सत्ता पक्ष के दावे क्या हैं और दावों में सच्चाई कितनी है, विपक्ष के क्या आरोप हैं। इन सब को लेकर हमारी टीम आज मुलाना विधानसभा क्षेत्र पहुंची। देखिए हमारा स्पेशल शो वोट हाईवे। हाईवे की इस कड़ी में हम मुलाना हलके में ही हैं और जाहिर तौर पर अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आई है उस लिस्ट में इस बार यहां के विधायक का परिवर्तन कर दिया गया, उनको टिकट नहीं दी पार्टी ने। और जो अभी पार्टी छोड़ करके आए थे इंडियन नेशनल लोकदल राजवीर राणा, उन पर पार्टी ने आस्था और विश्वास जताया, पार्टी ने आप पर विश्वास जताया, शायद मौजूदा जो विधायक थे उनके काम से संतुष्ट नहीं, उनके कार्य संतुष्ट नहीं थी पार्टी। और आप क्या लेकर के चल रहे, थीम क्या लेकर चल रहे? देखिए मैंने भाजपा पार्टी ज्वाइन की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के काम को देखते हुए, आदरणीय मनोहर खट्टर जी का जो उनका काम करने का तरीका था उससे प्रभावित होकर मैं पार्टी ज्वाइन की। और मैं धन्यवाद करता हूँ शीर्ष नेतृत्व का जिन्होंने मुझे यहाँ से चुनाव में उतारा। मैं उनकी आशाओं पर खरा उतरूंगा और पब्लिक में जाकर सेवा करूंगा। पिछली बार भी आप चुनाव लड़े थे, काफी सारे मुद्दे थे, क्या लगा कि उन मुद्दों पे कितना काम हो पाया इस बार? क्योंकि आप जब जाएंगे लोग आपसे पूछेंगे एज ए बीजेपी कैंडिडेट कि पिछली बार और अब की बार में क्या परिवर्तन रहेगा? नहीं, मुद्दे तो हैं ही हैं, कुछ हो गए पूरे, कुछ होने वाले हैं, उनको सबको प्रायोरिटी बेस पर काम करने। कुछ विशेष फोकस रखा है आपने अपने इलाके के लिए? नहीं, ज़्यादातर तो विकास और सुरक्षा का मुद्दा है, विकास और स्वास्थ्य चिकित्सा इसका ज़्यादातर, और शिक्षा। आपके इलाके में मैं काफ़ी इलाकों में घुमा, कई लोग गाँव के कह रहे हैं कि सड़कें थोड़ा खस्ता हाल है, सड़कों को ठीक कराना जो, तो आपको भी लगता है कि इन सब चीज़ों पर ध्यान देने के लिए है? कुछ तो ठीक हो गई है और उनको जो ज़्यादा खराब है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर अपनी सरकार आना लगभग तय है और जो उनको काम करने। और पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या सोच रहे हैं? बहुत सारे दिन में रह करके पार्टी के बीच में रह करके मजबूत करने काम करेंगे, आपसी भाईचारा बढ़ाएंगे, पीछे जो कमी रहेंगे उन्हें पूरा करने काम करेंगे। चर्चा चाय और चुनाव तीनों एक साथ साथ, लेकिन खास बात यह है कि इस बार का रणभेरी कुछ अलग है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर जो आगाज हुआ है उसी कड़ी में आज हम वोट हाईवे के तहत पहुंचे हैं मुलाना हलके में। दरअसल मुलाना हलका इसलिए भी खास है क्योंकि ये भी कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। पिछली बार कांग्रेस के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगाई और यहां से वो विधायक बना ले गए, लेकिन इस बार कांग्रेस अपने तरीके से पूरी तैयारी कर रही है कि किसी भी तरीके से ये सीट ना जाने दे। फिलहाल कांग्रेस की ओर से जो प्रत्याशी हैं, जो होने वाले हैं, वो अपने तरीके से पूरा प्रचार कर रहे हैं। फूलचंद मुलाना यानी पूर्व मंत्री के जो है बेटे हैं, वो अपने प्रचार में लगे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हमारे साथ है, उन्हीं से चर्चा करेंगे। क्या लगता है आपके इलाके में मुद्दे क्या हैं? क्योंकि मैंने सुना कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने बहुत कोशिश की और बहुत प्रयास किया विकास का, क्या प्रयास, क्या सक्सेस, क्या दिखा आपको? देखिए विकास का ना तो उन्होंने प्रयास किया और ना ही कहीं कोशिश की मुलाना विधानसभा क्षेत्र को आगे लेके जाने की, क्योंकि अगर की होती तो कम से कम उनकी पार्टी के लोग तो उनके साथ होते। आज हम जैसे गांव-गांव में घूम रहे हैं, चाहे हमारे लोकदल के साथी हैं, चाहे बीजेपी के साथी हैं, सब हमारे साथ कांग्रेस में आ रहे हैं, तो जिससे साफ पता चलता है कि वो दुखी। क्या सड़कें नहीं बन पाई या और भी चीजें? लेकिन देखिए जिस रोड पर लोग चल रहे हैं आजकल, खासकर मुलाना हाईवे की बात करें, बीजेपी कहती है वो हमने बनवाया, कांग्रेस ने तो खाली एक लीपापोती करके छोड़ दी। देखिए लीपापोती किसे कहेंगे आप, जमीन एक्वायर हुई कांग्रेस के समय में, है जी, टेंडर हुआ कांग्रेस के समय में, तो उसको आप लीपापोती कहेंगे? और आप भी अब यहां से आए हैं जहां से, तो आपने भी देखा कि सड़कों का क्या हाल है, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं भाई, हजारों लाखों के चलान तो काटने शुरू कर दिए, लेकिन जहां जहां ये खड्डे दले हुए हैं भी उसका बताइए किसको चलान काटना है। इतने हमारे पशु जो हैं सड़कों पर हैं, उनकी भी जान जा रही है, हमारी भी जान जा रही है, लेकिन उसका भी बताए सरकार भी उसका चलान किसका काटना है। दो तीन मुद्दे पिछली बार बड़े अहम थे और ये माना जा रहा था कि जो ग्रामीण सड़कें हैं उनको सरकार फोकस नहीं कर पाई और लोगों ने कहा कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में तनाव था इसलिए सीट चली गई, पर नुकसान उसका हुआ। इस बार दोनों लोग एक साथ हैं और इस बार बीजेपी कह रही है कि पूरा संपूर्ण विकास किया, दोनों के साथ और संपूर्ण विकास की परिदृष्टि आप देखते क्या, क्या होने वाला है इस बार? देखिए अगर संपूर्ण विकास हुआ होता तो इस तरह का इकट्ठा आपको शायद ना देखने को मिलता। अभी आज हम मंडी का दौरा कर रहे हैं, आप भी यहाँ सहा अनाज मंडी में खड़े हैं, आप हालात देखिए कि क्या है।
किसान की जो उपज है, फसल है, वो तो पड़ी है बाहर, और जो गेहूं खरीदी जा चुकी है 6 महीने पहले, वो सारे शेडों में भरी पड़ी है। भाई शेड जो है वो किसान के लिए है या ये वेयर हाउस है कोई? इतना नुकसान हो रहा है जो हमारे ये बोरियां भरी पड़ी हैं, उसमें आप देखिए कि जीरी चल चुकी है सरकार की तरफ से कोई, ठीक है जी, तो कितना बड़ा नुकसान हो रहा है ये, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। फसल बीमा आपको, आपको जानकारी के लिए बता दूं, फसल बीमा में है कि 48 घंटे के अंदर आपको बताना है कि आपका नुकसान हुआ है। किसको बताना है? फसल बीमा कंपनी को। पूरे जिले में आप पूछिएगा भी किसी से, पूरे जिले में किसी फसल बीमा कंपनी का दफ्तर ही नहीं है, कहां सुनवाई होगी, किसके पास जाएंगे, हर वर्ग परेशान। और गांव में इस बार मैंने सुना कि बीजेपी शायद अपना उम्मीदवार चेंज करने लग रही, क्योंकि उनको लगता है कि शायद जनता के बीच विरोध हो। जो नए उम्मीदवार जो दावा कर रहे हैं, शायद आपको भी परिचित होंगे उनसे, पिछली बार वो इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर लड़ रहे थे, वो कह रहे हैं इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता प्लस जो मेरा अपना वोट बैंक है वो इस बार कांग्रेस को पछाड़ देंगे। देखिए आपसी फूट है, पीछे भी जब खट्टर साहब मुलाना हल्के के दौरे पर आए थे, हर उम्मीदवार को, हर उनके नेता को, सबको अलग अलग जगह खड़ा कर दिया गया था, क्योंकि उन्हें यहाँ पर भी डर था कि कहीं यहाँ पर भी कुर्सियाँ ना चल जाएं और किसी के सर ना फूट जाएं आपस में। और जो आप कह रहे हैं कि आज ज़्यादातर जो दुखी हैं लोग, वो भाजपा की सरकार से दुखी हैं, जो उनकी जन विरोधी नीतियाँ हैं उनसे दुखी हैं, और विधायिका जी से इसलिए दुखी हैं कि वो ना किसी के सुख में आई ना किसी के दुख में आई। चौधरी जी, अगर हम बात करें तो आपके इस बार चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? मान लीजिए आप जनता के बीच जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोगों को क्या कहेंगे, क्या चीज नई सोच रखी है आपने, क्या डेवलपमेंट, क्या चेंज, नई बात क्या कहने वाले? देखिए नई बात ये है कि सब जानते हैं कि इन 5 सालों में जितने प्रदर्शन इन 5 सालों में हुए हैं सरकार के खिलाफ, इतने पूरे हरियाणा जब से बना है तब से नहीं हुए। इतने परेशान हैं, चाहे वो व्यापारी हैं, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे दलित हैं, चाहे हमारे किसान हैं, सब। तो इतने प्रदर्शन हुए हैं, क्यों हुए, क्यों नौबत आई? पहले भी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार रही, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री भी थे, कुमारी शैलजा जी केंद्र में मंत्री थी, सबकी सुनी जाती थी, सबकी आवाज पर फैसले लिए जाते थे। आज लेकिन ऐसा नहीं है। वरुण चौधरी जो कांग्रेस से उम्मीदवारी कर रहे हैं, उनका मुकाबला इस बार है किससे उनके विधानसभा में? देखिए मैं समझता हूं कि पूरे हमारे प्रदेश में इस बार कांग्रेस वर्सेस लठ दल है, जिन्होंने लाठियां ही चलाई हैं, कि मतलब मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं कि भी 5 साल से कार्यकाल खत्म हो गया बीजेपी का, लेकिन बीजेपी की लाठियां नहीं रुकी। तो आज तो जनता ने मन बना लिया है कि इनको जवाब देना है, और ये जो मोटे मोटे चलान काट रहे हैं, हम देखिए गांव-गांव जा रहे हैं तो लोग ये कह रहे हैं जी कि 21 तारीख को अब भाजपा का चलान काटना है जनता ने। तो आपने सुना वरुण चौधरी जी की राय, जाहिर तौर पे वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का आपका जो समीकरण है वो साफ हो गया, लोग समझते हैं कि उनको क्या चाहिए। दरअसल हम जहां खड़े हैं वो धन धान की मंडी है, ये अनाज मंडी है, आप देख सकते हैं किसानों की फसल आई हुई है जो कि कहीं ना कहीं बारिश में गीली, उसको सुखाने का काम चल रहा है, और उसके साथ साथ लोग समझते हैं कि उनके साथ दिक्कत क्या है, उनको क्या जनभावनाएं समझनी है, नेता भी समझ रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि आजकल मंडी में दौरा करना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि अधिकतर किसान मंडी में आता है अपनी फसलें बेचने, उसके साथ साथ वो यहां पर सारा दिन लगाता है, क्योंकि किसान जब अपनी फसल को उगाकर मंडी में पहुंचता है लेकर, तो उसको लगता है कि यहां पर उसके उचित दाम मिलेंगे, उसकी फसल की उठान होगी, उसका नुकसान नहीं होगा। लेकिन राजनीति के क्षेत्र में लोग उसी समय वादा करते हैं जब उनको टिकट चाहिए, जब उनको वोट चाहिए, और उसके बाद वो नहीं समझते कि इन सब चीजों को पूरा किया जाना चाहिए। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच इस इलाके में मुकाबला है, अभी और हम जानेंगे कि दरअसल बाकी नेताओं का क्या मूड है, वो क्या कहते हैं कि वाकई भारतीय जनता पार्टी का 75+ मिशन सक्सेसफुल हो पाएगा या उस पर लगा क्वेश्चन मार्क, ये लोगों से ही जानेंगे।